वेलकम बैक टू सत्यजीत किचन। आज के एपिसोड में मैं आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूँ। आप मानिए या ना मानिए, पर आलू सबकी फेवरेट सब्जी है और किसी भी चीज़ में कभी भी जाने के लिए इट इज़ आइडियल। जब घर में कोई दूसरी चीज़ ना हो तो आलू की ही सब्ज़ी बनती है, और आलू के कितने टाइप के सब्जियां बनती हैं। हर किसी के घर की एक स्पेशल सब्ज़ी रहती है, हर प्रांत की रीजन की अलग सब्ज़ी रहती है। वैसे एक और सब्ज़ी लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। आसान सी सब्ज़ी है, महाराष्ट्रियन सब्ज़ी है, जिसे मराठी में बोलते हैं अम्बट बटाटा, विच मीन्स खट्टे आलू। अब खट्टे आलू भी राजस्थान में बनते हैं, गुजरात में बनते हैं, ये महाराष्ट्र में भी बनते हैं। आसान सी सब्जी है, चार चुनिंदा चीज़ें लगती है और खट्टे आलू की सब्जी तैयार। यहाँ पे मैंने पांच मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें मैं कट करके लूँगा फ्रेंच फ्राई कट में, ना बहुत मोटे पीसेस और ना ही बहुत पतले। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन रखा है गैस पे, उसके अंदर 3 चम्मच तेल। तेल जब हो जाएगा गरम, इसके अंदर कुछ मेथी के दाने हैं, 8-10 मेथी के दाने, उसी के साथ कोरिएंडर सीड्स भी ऐड करूँगा। कोरिएंडर सीड्स हमारे हल्के हल्के भून चुके हैं, इसके अंदर रेड चिली पाउडर, तीन छोटे चम्मच, और उसी के साथ जीरा पाउडर। दस सेकेंड के लिए इसे फ्राई कीजिए और इमीडिएटली थोड़ा पानी मिलाइए, बिकॉज रेड चिली पाउडर बहुत जल्दी जल सकती है। और हमने जो यहाँ पे आलू कट करके रखे हैं, उसे इस मसाले के अंदर, आप नोटिस कर सकते हैं कि हमने इस सब्जी में हल्दी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। एक मिनट के लिए इसे फ्राई करने के बाद हम मिलाएंगे पानी। ये सब्जी बेसिकली एट द एंड लिक्विड ही होने वाली है, इसलिए पानी थोड़ा अच्छे से मिलाइए, बाद में हम इसे रिड्यूस करके वी कैन एडजस्ट अ कंसिस्टेंसी। इसे ढक के आलू को पकने के लिए छोड़ दीजिए। आलू पक रहे हैं, हम 2-3 और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इस सब्ज़ी के लिए मैंने इस्तेमाल किया है टैमरिंड पल्प। बेसिकली जो टैमरिंड मिलती है उसको मैंने गुनगुने पानी में भिगो के रखा था और उसका पल्प निकाल के लिया है। उसी के साथ यहाँ पे कुछ फ्रेश कोकोनट है और कोकोनट का मिल्क है। अभी यह आपके ऊपर निर्भर है, अगर आप कोकोनट मिल्क यूज़ करना चाहते हैं तो वो कीजिए, या फिर थोड़ा कोकोनट लीजिए, उसे मिक्सर में थोड़े से पानी के साथ पेस्ट कीजिए, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। आज मैं यहाँ पे कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करने वाला हूँ। 6-7 मिनट से हमारे ये जो आलू है वो पक रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। पतले पतले काटे हैं इसलिए जल्दी पक जाएंगे, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। मे बी और 2-3 मिनट और ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट 9-10 मिनट से हमारी ये सब्जी पक रही है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आलू गल चुके हैं या नहीं। प्रॉपर गैस कीजिए थोड़ा कम, और अब इसमें मिलाएंगे नमक, गुड़। इसमें शक्कर नहीं, गुड़ का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और वो भी अच्छा खासा। इमली का पल्प,
चार छोटे चम्मच। हमने जो पानी मिलाया था शुरू में वो ऑलमोस्ट इवेपोरेट हुआ है, इसमें और पानी की ज़रूरत है, पर हम पहले कोकोनट मिल्क मिलाएंगे उसके बाद एडजस्ट करेंगे। तो जब पहले मैंने सब्ज़ी सुनी थी और इसको टेस्ट किया था, तब मुझे बोला गया था कि इसमें गार्निश के लिए धनिया बिल्कुल नहीं जाता है। क्यों मुझे नहीं पता, पर मैंने सोचा क्यों नहीं, अगर हर सब्ज़ी में हम कोरिएंडर डालते हैं तो एक में नहीं डालेंगे। और उसी के साथ ये थिक कोकोनट मिल्क, आधा कप, थोड़ा पानी, तीखी खट्टी मीठी ऐसी ये सब्जी होनी चाहिए एट द एंड। आलू तो हमारे पक गए हैं, हमने अंत में इसमें नमक और इमली मिलाई है। इसे 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, एक छोटी सी उबाल आने तक पकाएंगे एंड वी आर डन विद इट। बहुत सिंपल घरेलू सी सब्जी है ये, एक बार हम नमक चेक कर लेते हैं इसके अंदर। गुड टू गो, तीखी खट्टी मीठी आइडियल। चलिए हमारी ये सब्जी बनके हो गई है तैयार, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इसे सर्व करते हैं। धनिया नहीं ऐड कर सकते, लेकिन कलर कंट्रास्ट के लिए थोड़े स्लिट ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं और उसी के साथ थोड़े कोकोनट्स। और कोकोनट इज अ प्राइम बेस, इसलिए थोड़ा और कोकोनट एंड वी आर डन। खट्टे आलू कहिए, अंबट बटाटा कहिए या पटेटो इन कोकोनट सॉस कहिए, आपको जो चाहिए वो कहिए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग आसान सी रेसिपी है, घर में ट्राई कीजिए ज़रूर। तो मेरी एक खट्टी मीठी तीखी सी कोकोनट मिल्क में बनाई हुई आलू की सब्ज़ी, खट्टे आलू या अंबट बटाटा बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए, हर कोई उंगलियां चाटते रह जाएगा। आप बनाइए ज़रूर, सबको खिलाइए, घर वाले तो खुश होंगे ही, घर वाले खुश तो आप खुश, हम खुश। अगली बार ज़रूर मिलेंगे, अंटिल देन हैप्पी कुकिंग।